नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। देश भर के लोग आज सुबह 10 बजे से स्वच्छता अभियान में भाग लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह अभियान गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल आह्वान किया कि इस अभियान में भाग लेकर 1 घंटे श्रमदान करें। पीएम ने कहा कि स्वच्छ भारत साझी जिम्मेदारी है और इसीलिए स्वच्छ भविष्य की शुरुआत के लिए इस खास प्रयास में शामिल हूं। पीएम मोदी ने अभियान को लेकर 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का नारा दिया। ये पहल स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 की एक कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए ट्वीट किया है, स्वच्छ भारत देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में जनभागीदारी का हर एक प्रयास बहुत अहम है। आइए कल सुबह 10 बजे एकजुट होकर 1 घंटा स्वच्छता को समर्पित करें और देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में अपना हाथ बटाएं। तो देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक श्रद्धांजलि के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि बापू ने पूरे जीवन स्वच्छता को महत्व दिया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए साल 2014 में इसकी शुरुआत की थी 2 अक्टूबर से, और तब से लगातार स्वच्छ भारत मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर मिशन स्वच्छ भारत में कौन कौन है। स्वच्छता अभियान से जुड़े 6,40,000 स्थान, देखिए मतलब यानी 6.4 लाख स्थान पर इसे मनाया जाएगा। रेलवे ट्रैक और स्टेशन हवाई अड्डे को इससे जोड़ा जाएगा, यानी देश भर में हर जगह पर स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया जाएगा। जल निकाय, घाट, झुग्गियां और बाजार भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा देखिए पंचायतों को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो बड़े पैमाने पर 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चलाते आ रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूजा स्थल, पर्यटन स्थल में भी सफाई अभियान चलाया जाएगा। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जब मन की बात कार्यक्रम की तो उसमें भी उन्होंने इस चीज़ के लिए सभी से अपील की थी कि स्वच्छ भारत की ओर आगे बढ़ें और स्वच्छता मिशन में अपना अहम योगदान दें। शहरी स्थानीय निकाय में भी देखिए इसे मनाया जाएगा। 35,000 आंगनबाड़ी स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। आज क्योंकि ये स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया जाएगा 10 बजे 1 घंटे के लिए से चलाया जा रहा है। 7,000 बस स्टैंड, 1,000 गौशालाएं और 300 चिड़ियाघर भी इसमें शामिल हैं, जहां पर मनाया जाएगा स्वच्छता अभियान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर इसके बारे में जानकारी दी है। नागरिक पोर्टल पर श्रमदान का फोटो अपलोड करने के लिए भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। कहा गया है कि आप जब स्वच्छता अभियान में अपनी जनभागीदारी दें, उसका एक फोटोग्राफ जो है उसको भी अपलोड करें। स्वच्छता अभियान से जुड़े 6.4 लाख स्थान, तो ये वो स्थान है कहां कहां पर मनाया जाएगा स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर आप देखिए, 6.4 लाख स्थान पर आज देश भर में मनाया जाएगा स्वच्छ भारत अभियान। पीएम मोदी ने एक्स पर यह पोस्ट डाला और उसमें बताया कि किस तरह से स्वच्छ भारत देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए ये कहा है कि स्वच्छ भारत देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसीलिए आज स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चलाया जाएगा 1 घंटे के लिए। 10 बजे से इसे शुरू किया जाएगा और देश के लगभग 6.5 लाख स्थानों पर स्वच्छ भारत मिशन जो है वो चलाया जाएगा।
2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की है 10 बजे एक घंटे के लिए हर कोई श्रमदान करे और उसकी तस्वीर जो है उसे श्रमदान पोर्टल पर अपलोड करे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन पर लगातार अपना फोकस दिखाते रहे हैं और ऐसे में आज ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत अहम कार्यक्रम सुबह 10 बजे रखा गया है। आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य तेलंगाना के महबूब नगर जिले का दौरा करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री 13,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इनमें सड़क, रेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 3 अक्टूबर को निजामाबाद का दौरा करेंगे। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है। बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे सीईसी की बैठक रखी गई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम पर इसमें मोहर लगेगी। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होना है, इस लिहाज से आज 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की अहम बैठक रखी गई है। उधर बीकानेर पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते हैं कि हमारी इतनी सारी अच्छी योजनाएं हैं, आप उनका अध्ययन करो, आपको जो योजना अच्छी लगे उसे देश में लागू करें, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप आकर लोगों को भ्रमित करें, झूठे आरोप लगाएं। प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करिए आप राजस्थान में आओ, आप आए, आपके जो मंत्री लोग आए सबका कैंपेन करने का हक है, पर कम से कम एक तो हमारी योजना है पहले उसकी स्टडी कर लो। इतनी शानदार योजना, इतनी सारी योजना है, हर राज्य सरकारें हमारी योजनाओं को आधार बना करके फैसला कर रही है, गारंटी दे रही राज्यों के अंदर अपने, तो आप उनका अध्ययन करवाओ और उसमें जो आपको लगे मुफीद आप केंद्र सरकार में कानून बनाओ। ये 25 लाख बीमा है, केंद्र क्यों नहीं दे सकता उसको? इस प्रकार के जो हमने कानून बना दिए हैं भारत सरकार भी कर सकते, ओपीएस है, अगर हमने लागू किया वो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो पहले आप अध्ययन करो, उसके बाद में आप फैसले करो, फिर आपके आगे जनता कैंपेन करो। ये योजना में अच्छी लगी हम अडोप्ट कर रहे हैं, ये योजना में हमें दिक्कत आ रही है, या एक भी योजना लागू नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जिस राज्य में कैंपेन कर रहे हो उस राज्य में क्या क्या योजना चल रही है? आप आके झूठे आरोप लगाओ, झूठे लोगों को भ्रमित करो, ये आपको अधिकार नहीं है। आप आओ, हमारी योजनाओं की स्टडी करके आओ, उसके जवाब दो। नंबर 1, नंबर 2 एक गारंटी दो कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम एक स्कीम बंद नहीं करेंगे, ओपीएस बंद नहीं करेंगे। वहीं पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी नजर आ रही है। आज दिल्ली में पुरानी पेंशन को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। रामलीला मैदान में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। प्रदर्शन को पेंशन शंखनाद महारैली का नाम दिया गया है। किसान और मजदूर संगठनों ने प्रदर्शन के लिए समर्थन भी दिया है।
देश भर में कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसी कड़ी में 1 अक्टूबर 2023 को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले देश भर से लाखों कर्मचारियों को दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। ये रैली दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होनी है और इस रैली को पेंशन शंखनाद महारैली का नाम दिया गया है। इस रैली को देश के किसान और अन्य मजदूर संगठन ने भी अपना समर्थन दे दिया है। वहीं महासभा के राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि किसान महासभा और संयुक्त किसान मोर्चा देश में चल रहे निजीकरण, कॉरपोरेटीकरण, छटनी और न्यू पेंशन स्कीम के जरिए देश के कर्मचारियों पर किए जा रहे सत्ता के हमले का डटकर विरोध करता है। वहीं 2000 के नोट को लेकर आरबीआई ने बड़ा अपडेट दिया है। अब 7 अक्टूबर तक बदल सकते हैं 2000 के नोट। पहले 30 सितंबर नोट बदलने की आखिरी तारीख थी। आरबीआई ने नोट बदलने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट बदलने की डेडलाइन बढ़ा दी है। आप इसे अब 7 अक्टूबर तक बदल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को राहत दी। इससे पहले 2000 के नोट बदलने या फिर जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर थी। आरबीआई ने इसे बढ़ाते हुए एक और हफ्ते का वक्त दिया है। आरबीआई के फैसले के बाद अब आप 7 अक्टूबर 2023 तक बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट को बदल कर या फिर जमा करके आ सकते हैं। खबर मालदीव से है। मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजजू। मोइजजू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाइयां दी। मालदीव्स के राष्ट्रपति चुने जाने पर मोहम्मद मोइजजू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं और बताया कि किस तरह से मालदीव्स के जो संबंध हैं, द्विपक्षीय संबंध भारत के साथ, वो और मजबूत होते रहेंगे। दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। हिंद महासागर में सहयोग देने के लिए भारत सदैव प्रतिबद्ध है। उधर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती अपनाई गई है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण आज से लागू होगा। आज से दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर के उपयोग पर रोक लगा दी जाएगी। देखिए, दीपावली आने को है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर पहले ही सरकार अलर्ट है और इसके लिए देखिए केजरीवाल सरकार की ओर से विंटर एक्शन प्लान भी लागू किया गया है। उधर राजस्थान में आज पेट्रोल पंप डीलर्स हड़ताल पर हैं, जिस वजह से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राज्य में पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दरअसल डीलर्स राज्य में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स को कम करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजस्थान सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो वो 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे पहले 15 सितंबर को भी पेट्रोल पंप डीलर्स हड़ताल कर चुके हैं। राजस्थान में हड़ताल की वजह से रोजाना 15,000 लीटर डीजल और 68,000 लीटर पेट्रोल की बिक्री प्रभावित होगी। इससे राज्य सरकार को हर दिन करीब 44 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। राजस्थान में डीजल पर 19% और पेट्रोल पर 31% वैट लगता है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर झारखंड के गिरिडीह से है। बाढ़ के पानी में फंसी हैं दो छात्राएं, सीआरपीएफ की टीम ने दोनों का रेस्क्यू किया है। झारखंड से तस्वीरें हैं जब देर शाम दो छात्राएं फंस गई और उसके बाद सीआरपीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें वहां से निकाला है। आगे बढ़ते हैं, आज से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नए कानून नए नियम लागू होंगे। ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% जीएसटी टैक्स। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ पर टैक्स लगेगा। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई है। दो आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। देश में इन दिनों चुनावी माहौल है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को लेकर माहौल बना रहे हैं, जहां एक तरफ केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल को मुद्दा बनाकर 24 की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्षी दल ओबीसी कार्ड खेलकर अपना वोट बैंक सेट कर रहे हैं। 24 के चुनाव को लेकर ओबीसी दाव खेलते हुए राहुल गांधी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि अगर 90 ऑफिसर देश को चला रहे हैं और उसमें ओबीसी की भागीदारी 5% है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? लेकिन राहुल गांधी इस बयान के जरिए अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नई संसद के पहले विशेष सत्र में पारित हुए महिला आरक्षण विधेयक को बीजेपी खेमा गेम चेंजर दाव के तौर पर भले आंक रहा हो, लेकिन जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के विपक्षी दाव ने उसके लिए सियासी बिसात पर मुश्किलों के कील काटे बिछा दिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी खेमा लगातार ओबीसी के दाव को चल रहा है और सरकार को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ओबीसी भाइयों की बहनों की 50% आबादी हिंदुस्तान में, बात समझिए, आबादी 50% है और 90 में से 3 अफसर ओबीसी के हैं। और एक और मजेदार बात बताता हूं, 2 साल पहले आप देखते तो हिंदुस्तान की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 90 में से 0 अफसर ओबीसी से थे। लेकिन कई ऐसे डेटा निकलकर सामने आ गए हैं जिससे कांग्रेस खुद ओबीसी वाले मुद्दे के जाल में फंसती नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेटा जारी किया है, जिन 4 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है वहां मुख्य सचिव सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कोटे से हैं। बात अगर इंडिया अलायंस की करें तो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाले 6 राज्यों में से केवल तमिलनाडु में एक एसटी से मुख्य सचिव है, तो वहीं साल 1985 और 1989 में किसी भी आरक्षित वर्ग एससी एसटी से भारत सरकार का कोई भी सचिव नहीं था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, लेकिन 2023 में 7 एससी वर्ग और 5 एसटी वर्ग के सचिव सेवारत हैं। अगर बात करें साल 2014 की तो ओबीसी से एएस और जेएस रैंक के 2 अधिकारी थे, तो वहीं वर्तमान की बात करें तो ओबीसी से 63 अधिकारी एएस और जेएस के रूप में कार्यरत हैं। देश लोग जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है, उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाते हैं। मान्यवर, संविधान की स्कीम है देश की नीतियों का निर्धारण, इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी
तब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और सचिव के रूप में काम करने वाले सभी अधिकारी सामान्य वर्ग से थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह रहे। अब इन सब में कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण 1993 में शुरू किया गया था और इस फैसले के बाद सिविल सेवा अधिकारियों का पहला बैच 1995 बैच का है। 1995 बैच के अधिकारी अब तक सचिव पद के लिए पात्र हुए ही नहीं है। ये तो आंकड़ों की बात हुई, लेकिन क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की ओबीसी वाली गुगली से आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच ओबीसी का मुद्दा राज्यों के चुनाव में भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सरकार एक तरफ ये कह रही है कि ओबीसी आरक्षण की बात वो पार्टी कर रही है जिस पार्टी में पीएम रहते हुए ओबीसी का कोई अधिकार नहीं रहा। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ ये होगी कि क्या जनता इस ओबीसी वाली गुगली को समझ पाती है और आने वाले समय में महिला आरक्षण वाले बड़े बिल पर बीजेपी को राज्यों और लोकसभा में जनता से वोट मिलते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।